करोड़ों लोगों को बिजली कैसे मिल सकती है, लाखों टन पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है, सबको साफ पानी कैसे मिल सकता है। आगे देखिए, हम सबकी खास जरूरतें एक ही जैसी होती हैं, बिजली, स्वास्थ्य और पानी। फिर भी दुनिया की आधी से ज्यादा जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। लोगों के पास बिजली नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, साफ पानी नहीं है। अगर उनके पास ये सब चीजें हो जाएं, तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे आविष्कार इन सब को ठीक कर देंगे, नए आविष्कार जिनसे बिना पोल्यूशन के मुफ्त में बिजली पैदा की जा सकती है, मुफ्त खाद जिससे करोड़ों किसान गरीबी से निकल सकते हैं, ऐसी मशीनें जिनसे खारा पानी पीने लायक बन सकता है। मेरा नाम मनोज भार्गव है, लोग मुझे जानते हैं, मैंने एक कंपनी बनाई, इसका नाम है फायर आवर एनर्जी। वो कंपनी बहुत सफल हो गई और बहुत पैसा बनाने लगी, तो फिर हमने सोचा कि हम क्या करें उसका, कि अरे करेंगे किसके लिए, करेंगे उनके लिए जिनको जरूरत है। तो हम फिर इस काम में लग गए कि हम कैसे चीजें बनाएं जिससे जिन लोगों को जरूरत है उनके पास तक पहुंचे। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका क्या करोगे? जिंदगी में वही तो करने में मजा आता है जिसकी जिसमें कोई मकसद हो, जिसका कोई इस्तेमाल हो। हमने एक कंपनी बनाई मैंने, जिसका नाम है स्टेज टू, और उसका काम यह था जो उनके लिए आविष्कार करें जिनके पास कम है, कम पैसा है, जो रईस नहीं है। We get to work on some really cool projects here. Things that can truly have that global footprint and really impact the world. जिंदगी भी इसीलिए कि ये ऐसे काम करें जिससे कि जिसमें कुछ हो, कुछ ठोस चीज हो। For us to be able to do something that we really feel is going to make a change in the world on a huge level, it's exciting. हमने ऐसी चीजें बनाई, वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि भाई अब वो हिंदुस्तान के लिए अब हम लाए हैं, लेकिन हमने ऐसी चीजें बनाई हैं जो अजब अजब चीजें, जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो मुसीबतें हैं उनके लिए, उनको ठीक कर देने के लिए। तो ये काम है स्टेज टू का। दो साल पहले अभी हमने एक फिल्म बनाई थी, तो उसमें हमने ये दिखाया था कि भाई देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं। अब हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो सब घरों को बिजली दे सकती है, तो हम वो चीज दिखा रहे हैं आपको जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है। ये फर्क है। पहले हमारी हमने लैब का दिखाया था कि भाई हम क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं, अब आविष्कार जो है वो दुनिया के सामने है। अब हमारा काम ये बनता है कि उसको फैलाएं। तो अब ये काम बचा है, फैलाने का काम बचा है। अंग्रेजी में एक शब्द है फिलैंथ्रोपी, जिसका असली मतलब होता है समाज सेवा। ये उनके लिए होती है जिन बेचारों की रोज की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। सवाल ये है कि उनकी क्या जरूरतें हैं, और इस सवाल का जवाब उन लोगों से तब मिला जब मैं उनके पास गया और उनसे मिला, और तब पता चला कि भाई उनकी जरूरतें वो ही हैं जो और सबकी हैं, मतलब रोजगारी। तो फिर जब विचार किया तो समझ में आया कि आधार की तीन चीजें होती हैं। और उन तीन चीजों की बुनियादों पे बाकी सब कुछ टिका है, वो हैं बिजली, पानी और स्वास्थ्य। अगर ये तीन चीजें हों और आप आलस ना करें, तो किसी न किसी तरह से आपका रोजगार हो जाएगा।
तो बिजली एक ऐसी चीज है कि शाम को रात को अगर आपके पास बिजली है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सारी दुनिया के अमीर बड़े बड़े देश हैं, उनकी जितनी का धन हुआ है वो बिजली की वजह से हुआ है। दुनिया के करोड़ों लोगों के पास या तो 2-3 घंटे बिजली आती है या आती नहीं है। अगर हमने बिजली की ये मुसीबत सही कर दी तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी। तो जब हमने 2 साल पहले फिल्म बनाई थी तो हमने एक ऐसी बाइसिकल निकाली थी जिससे कि अगर आप उस बाइसिकल को 1 घंटे चलाएं तो 24 घंटे आपके पास बिजली होगी। तो उसमें अभी भी आप वो कर सकते हैं, वो भी हमने कई बनाई हैं और लोग ले रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आज जो कर रहे हैं वो कल से ज्यादा अच्छा बनाएं। अब जो हम कर रहे हैं वो सस्ता भी है, छोटा भी है, हल्का भी है और उसमें कोई मेहनत नहीं है। एक बत्ती का जादू गजब। अब आप सोचिए, शाम के 7 बजे हैं और जब तक आप सो नहीं जाएंगे तब तक आप अंधेरे में बैठे हैं, क्या कर पाओगे आप? तो इसलिए एक बल्ब, एक बिजली का इतना फायदा है कि एक बिजली के नीचे आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। बत्ती आनी चाहिए और हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए इसमें। तो फिर हमने एक ऐसी बढ़िया मशीन निकाली, एक छोटा सा बिजली पैदा करने का बक्सा जो आपका खुद का हो सकता है। हंस पावर पैक उनके लिए है जिनके घर में या तो बिजली कुछ घंटों के लिए आती है या आती ही नहीं है। अगर आपके पास ये है तो आपके पास कभी बिजली का बिल आएगा ही नहीं। ये हल्का भी है, इसमें कई तरीके की बत्तियां भी हैं। इससे घर में छोटा पंखा, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और लाइट्स चल सकती हैं कई घंटों के लिए और ये सालों साल काम करेगा। 10 फुट से कॉन्क्रीट पे, पत्थर पे गिर भी जाता है तो भी नहीं टूटेगा। हमने इतनी बढ़िया चीज बनाई है कि हम उसकी 12 साल की गारंटी दे रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें शायद 12 साल की गारंटी कोई देता हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको मुफ्त में चार्ज कर सकते हैं, उसमें लगे हुए सोलर पैनल से या हंस फ्री इलेक्ट्रिक साइकिल से। दोनों से ही मुफ्त की बिजली मिलेगी। वैसे तो आप बिजली के कनेक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं लेकिन उससे बिजली का बिल आएगा। अगर आपको इससे ज्यादा बिजली की जरूरत हो तो आप ये भी ले सकते हैं। ये एक सोलर ब्रीफकेस है। अगर और भी ज्यादा बिजली की जरूरत है तो आप इसे हंस सोलर ब्रीफकेस से भी चार्ज कर सकते हैं और इससे भी बिजली का बिल नहीं आएगा। इसका इस्तेमाल भी आसान है और ये पोर्टेबल भी है। आप लगा के छोड़ दीजिए और अपना काम भी करते रहिए। कुछ ही घंटों में आपका पावर पैक चार्ज हो जाएगा और क्योंकि ये कांच का नहीं बना है, ये मजबूत है। हंस पावर पैक और हंस सोलर ब्रीफकेस का इस्तेमाल करके आप अपनी काफी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चला सकते हैं बिना कभी बिजली का बिल भरे। इससे घर में बत्ती, छोटा पंखा, टीवी, टैबलेट, कंप्यूटर और मोबाइल चल सकते हैं। उसको ऐसे धूप की, ये सूरज की तरफ। पहले मैं सोलर के बड़े खिलाफ था। जब लोग मुझे सोलर की बात करते थे तो मुझे लगता था ये क्या बेकार की बात है आप कर रहे हैं, और सोलर के मैं बिल्कुल खिलाफ था। और उसका भी कारण था, ये 3 चीज खराब है। तो महंगी है, फिर आप उसको उसकी देखभाल नहीं कर सकते, और फिर अगर टूट जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकते, और 4थी चीज थी कि अगर बादल हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो हमारे इंजीनियर्स ने सोचा कि ठीक है, हम ये 4 चीज ठीक करते हैं। अगर सोलर को सही करना है तो एक तरीका है, वो है कि आप उठा के ले जा सकते। हंस पावर पैक भारी नहीं है, ये तो बस लगाना है और बैठ गए। इस तरह से हमने बनाया कि लोग इस्तेमाल भी कर सकें और मजबूत हो, सबसे बढ़िया पोर्टेबल, मतलब उठाया ले गए। आपके पास 12-15 साल के लिए कोई बिल नहीं आएगा। बिजली आपको थोड़ा कम चाहिए तो कम ले लो, ज्यादा चाहिए ज्यादा कर लो।
एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, चार बत्ती, दिन में आप जो कर सकते हैं 80% वो आप रात को भी कर सकते हैं, चाहे चीजें बनानी है धंधे के लिए, कमाई करनी है, या बच्चों की पढ़ाई है। सबसे बढ़िया तो लगा जब बच्चों के लिए फायदा है, जब पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके पास बिजली है तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं तो आप कोई सी भी चीज सीख सकते हैं, और जब आप सीख सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आधार जो है वो बिजली है। ये एक तरीका है आविष्कार होने का। सब चीज शुरू में नहीं हो जाती, मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, पैसा बहुत खर्च हो जाता है। अगर आखिरी तक पहुंच जाते तो पैसा बहुत बच जाता है, लेकिन ये नहीं हो पाता है। गलतियां करने के बाद धीरे धीरे अक्ल आई, तो अब जो चीजें निकाल रहे हैं वो लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये बढ़िया, असली में देखा जाए तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर हम जब गांव गए, पता चला उनको पूछने से कोई फायदा नहीं ज्यादा, उनके पास रह के कि भाई क्या जरूरत है उनकी, तब हमें पता चला कि इसमें क्या क्या चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आपको सोलर में विश्वास है? मुझे तो उन चीजों में विश्वास है जो काम करती हैं। अगर कोई चीज काम करती है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो बेकार है। एक शब्द है पैशन, यानी कि जोश, जो लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो दो चार बार मुंह के बल गिरने पे खत्म हो जाता है, और फिर लोग किसी और चीज में जाके जुड़ जाते हैं। होना क्या चाहिए कि इंसान को लगन होनी चाहिए, कि कितनी भी बार मुंह के बल गिरे खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस या व्यापार में ये तो होना ही है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। आपको किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करना चाहिए जहां आप समा जाएं और ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी ना पड़े। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। हमारे देश में एक गाना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और वो बात जो थी वो हमारे खाने के बारे में थी, जो हमारी धरती हमें देगी। असली में वो है असली सोना, सोना और हीरे मोती है क्या? ये हमारे देश की धरती देगी, ये बाहर के यूरिया वाले नहीं देंगे। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग जो हैं किसान, और सबसे ज्यादा गरीब किसान, जो वो कर रहा है हमें उसमें मदद करनी चाहिए, बनस्पत की अच्छा भैया आ जा तू स्कूल जा और फिर कंप्यूटर कोड बनाइयो, नहीं, उसका जो काम है खेती का उसको हमने ठीक करना है पहले। किसान फर्टिलाइजर यूरिया खरीदता है, और बीज खरीदता है, कीटनाशक खरीदता है, डीजल खरीदता है, और उसके पास बचता क्या है? इतना सा, और कभी तो इतना भी नहीं बचता तो बेचारे हजारों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये बुरी हालत है। अब अगर आप सोचिए कि 100 रुपए मिलते हैं उसको और उसके पास 2 बचते हैं, अगर वो खुद खाद बना सके अपने लिए, और सोचे कि खाद में लगते हैं 20 रुपए, तो उसकी आमदन 2 से 22 हो जाएगी अगर वो खुद बना लेगा। 2 से 22 में तो सब कुछ हो गया, तो उसका पूरा जिंदगी बदल गई। इसमें से 3-4 पलटाई हैं, मतलब एक अच्छा चुका ये पलट चुका है। जी सर, हम खेती वालों के लिए भी चीज निकाल रहे हैं कि आप 18 दिन में खुद खाद बना सकते हैं, और वो भी बिना खर्चे के।
इस खाद बनाने का तरीके का नाम है शिवंश। उसमें क्या लगता है, जो मोटी मोटी चीज है उसमें क्या लगता है, जैसे आप अनाज पैदा करते हो तो जब गेहूं निकाल लेते हो तो बाकी जो बचता है उसको आप जलाते हो, एक तो वो चीज लगती है, दूसरे हरे पत्ते और तीसरे गोबर, ये तीन चीजें लगती हैं, और फिर उसको आप एक परत के हिसाब से लगाते हो और फिर हर दो दिन उसको परखते हो। ये तीन चीज मिलके एक रिएक्शन होता है उसमें, और वो इतना गर्म हो जाता है कि आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते अपने आप, और फिर वो धीरे 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 खाद बन जाती है। और 18 दिन में मैंने कहा चलिए 50 गांव में 50 खेतों में देखते हैं कि क्या इसका वो है। वो धीरे 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 एक साल के अंदर ये हजारों हजारों खेत ये करने लगे। इस खाद से मिट्टी सही हो जाती है। मतलब उतने ही जगह जमीन से ज्यादा पैदावार होगी। अगली बार जब आप दूसरी बार बनाओगे तो और बढ़िया निकलेगा। जो पैदा हो रहा है, जो फसल बन रही है वो बढ़िया है। होता क्या है यूरिया से कि पानी जो है ऊपर तक रह जाता है, बहुत थोड़ा नीचे जाता है, और फिर वो धूप से चला जाता है पानी ऊपर, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो धरती है वो और सूख जाती है। जब पानी नीचे जाएगा ही नहीं और मिट्टी जो सूखी रहेगी और सब ऊपर निकल जाएगा तो पानी की कमी तो होगी। अब यह है कि मिट्टी बढ़िया हो जाती है, गीली रहती है, सभी खेतों में जो भी कुछ उगता है तो बचत इतनी हो जाती है कि उनको लाखों टन चलाना पड़ता है, तो जो पोल्यूशन है वो भी बच जाए। कुदरत ने, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमने क्या किया, जो हमने दिया है वो तो इस्तेमाल नहीं किया। ये आ गए यूरिया बनाने वाले जो कि विदेशों का चक्कर है, अब गरीब को यूरिया भी नहीं मिलता। बड़े बड़े किसान हैं, आते हैं और सब उठा के ले जाते हैं। अगर आप बिल्कुल आधार पे सही कर दो तो बाकी सब चीजें सही हो जाती हैं। खाद सही कर दो तो जो पैदा हो रहा है वो बढ़िया हो गया, किसान की रोजगारी हो गई, बच्चों के लिए जो खाना है वो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, पानी कम लग रहा है तो पानी की भी मुसीबत कम हो गई। तो जो हमने इस शिवंश खाद निकाली है, एक तो हम उसके लिए किताब निकाल रहे हैं जिससे कि कोई भी बना सकता है, और दूसरे हम इंटरनेट पे लगा देंगे कि सबके लिए मुफ्त का है, आप बस सीख लो, खुद ही बनाओ, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा पुराना ढंग था जो हम वापस ला रहे हैं, और गजब की बात यह है कि इस पहली फसल में आप ज्यादा पैसा बनाएंगे, पहली फसल में बचत होगी, ये नहीं कि दो साल लगेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है। सही सवाल पूछना ही सबसे बड़ी चीज है। आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है, तभी आप सही काम कर सकते हैं। सबको ये सीखना चाहिए कि सही सवाल क्या है। जैसे कि कोई कहे कि एक गड्ढा खोदना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, लोग पूछेंगे कि फावड़े से या बुलडोजर से। सही सवाल ये है कि मैं गड्ढा खोदना ही क्यों है, कोई और अच्छा तरीका नहीं है, करना क्या है, ये सबसे पहले देखिए। अगर सवाल ही गलत है तो जवाब तो गलत है ही। पानी की मुसीबत सारी दुनिया में, चाहे रईस देश हो चाहे गरीब देश हो, पानी की कमी से देश के कई इलाके जूझ रहे हैं। इसी महीने 2 तारीख को सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 91 बड़े जलाशयों में क्षमता के मुकाबले सिर्फ 41% पानी मौजूद है। आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं पानी की समस्या। भारत 2025 से
जब सन आएगा, जब साल आएगा तो पानी के लिए क्या तरस जाएगा। पानी की मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण भारत 2025 तक जल संकट वाला देश बन जाएगा। पानी की कमी का सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। हालात कैसे सुधरे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी 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 सर, जी जी जी। इसमें उतना ही स्वच्छ पानी आएगा। जब आप किसी गांव में जाओगे और वहां का पानी गंदा होगा तो वहां के लोग ये नहीं कह सकते कि ठीक है जी गंदा पानी है हम पियेंगे नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पानी तो पीना ही पड़ेगा। जब पीता है बीमार हो जाता है, लेकिन कोई उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, पानी तो पीना ही है। दुनिया के अगर सारे हॉस्पिटल आप देखें तो 100 में 50 से ज्यादा लोग वो होंगे जो गंदे पानी से बीमार हो। अगर आप पानी नहीं ठीक कर रहे हो तो आप स्वास्थ्य का काम नहीं कर रहे। असली खेल है पानी। पहले हमने एक मशीन बनाई है जो समुद्र के पानी को ठीक कर देगी, साफ कर देगी, मीठा कर देगी, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि सबसे परमिट लो, सरकार से परमिट लो, सब पॉलिटिशियन से परमिट लो, बहुत लोग घुस जाते हैं उसमें। तो हम अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास उससे भी बढ़िया चीज निकल आई। दुनिया में इतनी जगह है खारा पानी। अब हिंदुस्तान में राजस्थान की बेल्ट है, हरियाणा में बेल्ट है, उत्तर प्रदेश में बेल्ट है, दक्षिण भारत में इतना खारा पानी है। और सिर्फ समुद्र के पास नहीं, बिल्कुल अंदर देश में खारा पानी के कुएं दसियों हजार लाखों में। इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते साहब। हमने एक ऐसी मशीन बनाई जो बहुत थोड़ी बिजली से खारे पानी को ठीक कर सकती है। आप पानी पी भी सकते हो और उसको खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये खारे पानी को पीने लायक बनाने की मशीन है जिसे हमने गांव में इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। ये जगह कम घेरती है, इसमें बहुत कम बिजली खर्च होती है और ये बहुत तेजी से काम करती है। यह एक मिनट में 40 लीटर पानी साफ कर सकती है। इसके फिल्टर कई सालों तक चलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं। बस इसे कुएं या ट्यूबवेल से जोड़िए और साफ पानी आना शुरू हो जाता है। एकदम से दसियों लाख लोगों का, करोड़ों का फायदा हो सकता है। हमने ऐसी चीजें बनाई है जो आसान हो, जो हर गांव में लग सकती हो। और फिर उसके अलावा हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो गंदे पानी को साफ कर दे। उसमें जरूरी नहीं है बिजली लगे। आप या तो साइकिल से पंप करके या हाथ से पंप करके उसको, उस पानी को सही कर सकते हो, तो भी हर गांव में लग सकती। ये गंदे पानी को साफ करने की मशीन है और इसमें और भी कम बिजली लगती है। ये भी बहुत तेजी से काम करती है। अगर आपके घर में बिजली ना भी हो तो ये हैंड पंप या साइकिल वाले पंप के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा अलग अलग गांव की जरूरत के हिसाब से इससे बैक्टीरिया, वायरस या और भी खतरनाक चीजें जैसे आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक तक हटाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं। बस इसे कुएं या ट्यूबवेल से जोड़िए और साफ पानी आना शुरू हो जाता है। इससे करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। सबसे पहले जो स्टेज 2 है उसमें चीजों की परीक्षा की जाती है, तब हम उसको गांव में ले जाते हैं। वहां लोग इस्तेमाल कर रहे हो और उनको फायदा हो रहा हो, तो अब हमारी चीजें इस स्टेज पे हैं कि गांव में काम कर रही हैं, लोगों के पास हैं। सब पानी मिले, बीमारी से दूर रहे, पहले बीमारी से दिक्कत रही है। अगर सारा पानी, खारा पानी आपने सही कर दिया तो पानी इतना हो जाएगा कि कम से कम कई साल की मुसीबत तो टल जाएगी। ये है तरीका पानी का ठीक करने का। तो फिर आप देखें तो एनजीओ में समस्या ये है कि क्योंकि उनको मुनाफा नहीं कमाना होता तो उनके लोग थोड़ा काम चलाऊ काम करते हैं। और फिर मुनाफा कमाने की जो कंपनी होती है हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं है। तो हमने एक नया तरीका निकाला समाज सेवा करने का कि जो बढ़िया ढंग से चले भी और हम फिर उसे बिना मुनाफे के चलाएं।
तो अगर हम इस तरीके से काम करें तो हम बड़ी तादाद में लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अब जब हमने ये सब चीजें बना दी हैं, तो अब हमारा काम है कि इसको इसका विस्तार करें, हर जगह पहुंचाएं, कोने कोने में पहुंचाएं, लोगों को बिजली तक पहुंचा दें, उनके पास रोजगार पहुंचा दें, उनके पास खाना बढ़िया कर दें खाद से, और उनके पास साफ पानी पहुंचा दें। ये हमारा काम है। और हम जीरो मतलब कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, मुनाफा नहीं लेंगे। और ये सब काम हम हिंदुस्तान में हंस फाउंडेशन के द्वारा देश भर में करेंगे। जितना भी मेरा काम है वो श्री भोले जी और श्री माता जी की प्रेरणा से और उनकी दिशा, उन्होंने दिशा दिखाई उसके अनुसार हो रहा है। उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ अपने लिए ही करता रहेगा, परमार्थ के लिए कुछ नहीं करेगा। एक एक चीज इस तरह से उन्होंने सिखाई। क्या सिखाया? ये चीजें करके कि विचार क्या है, सोचते कैसे हैं, सही सोच क्या है। अगर सोच सही हो तो सब कुछ मिल जाता। हम ऐसे काम करेंगे जो पूरे देश का भला होगा, पूरे देश की सेवा होगी। जब तक जीवन में अंधकार रहता है तो आदमी भटकता रहता है, कभी इधर भटकता है कभी उधर भटकता है। लेकिन जब अंधकार ही उजाला बन जाता है तो हमें शक्ति मिल जाती है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा तो अंदर से भी हृदय में रोशनी का काम है और बाहर से भी हमारी संस्था ने एक बीड़ा उठाया है विष्कार करने का। सत्संग द्वारा भी हम लोग एक अंधेरे को रोशनी में बदल देते हैं और समाज की बाहरी वस्तु से भी आपके घर में भी उजाला हो। हृदय में भी उजाला है पर आपके घर में भी उजाला। तो अभी हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं कि हर घर में उजाला हो, यही लक्ष्य हमारा है। हृदय और घर दोनों ही उजियारे हों, इसी वचन कर्म से हम लोग दिन रात सत्संग के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा और हर प्रयास से चाहे वो मेडिकल कैंप हो, चाहे शिक्षा हो, जो भी हो सकता है। बहुत समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है ये जीवन आसान नहीं है, पर सबसे मुख्य कारण यही है कि जीवन को जीवन समझ करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमने तो अपना काम करना है। लोग कहते हैं कि हम भी करना चाहते हैं आपके साथ, जरूर आइए, आपकी मदद जरूर चाहिए हमें। अगर मदद लोग करेंगे तो देर जल्दी होगा और नहीं मदद करेंगे तो थोड़ा कम जल्दी होगा।